Xiaomi ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है Mi TV Stick। अब देखा जाए तो एक नया प्रोडक्ट है, पहले उन्होंने Mi Box किया था और ये नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी बनाने का गैजेट हुआ था। लेकिन मेन सवाल ये, क्या ये वर्थ है या फिर Amazon की Fire TV Stick लेनी चाहिए? दोनों के साथ इसको कंपेयर करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कि Mi TV Stick लेना ज्यादा सही रहेगा Mi Box 4 के या फिर Fire TV Stick। तो सारी बातें इस वीडियो में करने वाले, तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, काफी सारे लोग करते नहीं है। लेकिन यहां पे मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं Mi TV Stick के हार्डवेयर के बारे में। यार ये सिंपल टीवी स्टिक जैसा देखने को मिलता है जो कि काफी हद तक फायर टीवी स्टिक जैसा ही है और यहां पे आपको सिंगल HDMI पोर्ट देखने को मिलता है, यहां पे आपको साइड में देखने को मिलती है माइक्रो USB पोर्ट। और तो Mi TV Stick का फायदा है कि आप किसी भी टीवी जिसके अंदर HDMI पोर्ट होता है उसे लगा के उसे एक स्मार्ट टीवी बना सकते हैं। जी हां, ये बात हो जाती है। और मान लीजिए अगर आपके पास पुराना CRT टीवी है जिसके अंदर RCA केबल जिसने कहते हैं, तो उसके साथ भी एक अडैप्टर आता है, उसका यूज करके आप नॉर्मल CRT टीवी को भी एक स्मार्ट टीवी बना सकते हैं, ये बात हो जाती है। चलिए इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर 2GHz का Cortex A53 आर्किटेक्चर का क्वाड कोर प्रोसेसर लगा हुआ है, 1GB की DDR4 रैम देखने को मिलती है, 8GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, इसके अंदर कोई भी USB पोर्ट देखने को नहीं मिलता, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिलता है, DTS और Dolby Audio को सपोर्ट करता है और ये सिर्फ फुल HD को सपोर्ट करता है, कोई HDR फॉर्मेट्स को सपोर्ट नहीं करता। तो मेन बात यहां पे ये हो जाती है कि 2799 यानी कि 2800 रुपीस में आपको एक ऐसा डिवाइस मिल रहा है जिसे आप किसी भी टीवी में लगा के जिसमें एक HDMI पोर्ट है उसे आप स्मार्ट टीवी बना सकते हैं और डेफिनेटली मोबाइल हॉटस्पॉट से भी चलता है। और यहां पे आपको मोबाइल डेटा सेवर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है जैसे आपको दूसरे Xiaomi की टीवी या एंड्रॉइड टीवी में देखने को मिलता है। अब यहां पे खास बात ये कि ये स्टॉक एंड्रॉइड टीवी पे आपको देखने को मिलता है क्योंकि जो गूगल है वो एंड्रॉइड टीवी में ये अलाउ नहीं करती कि वहां पे आपको फिजिकल मॉडिफिकेशंस देखने को मिले, यानी कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने की परमिशन नहीं देती है वो। इसलिए आपको स्टॉक एंड्रॉइड टीवी जितने भी एंड्रॉइड टीवीज होते हैं सब में आपको सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इसीलिए इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर देखने को मिलता है, गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहां तक इसके अंदर आपको जो गूगल की क्रोमकास्ट है उसका सपोर्ट भी है। और तो और यहां पे जो टीवी का जो रिमोट दिया है ना वहां पे आपको डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो के बटन भी दिए गए हैं, यानी कि वाइड बैंड L1 सर्टिफाइड है। अब बात करते हैं 2799 में चीज मिल रही है तो देखा तो काफी सही प्रोडक्ट है। बस यहां पे मेरे को एक छोटी सी चीज ये लग रही है कि यहां पे आपको USB पोर्ट देखने को नहीं दिया। अगर इसमें USB पोर्ट होता तो यहां पे आप जो स्टोरेज वो एक्सपेंड कर सकते, पेन ड्राइव हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके टीवी पे आपके पास जो मूवीज होती ना उन्हें आप एंजॉय कर सकते थे। वेल ये बात हो जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट काफी डिसेंट है। लेकिन अगर हम कंपेयर कर से फायर टीवी स्टिक से, तो फायर टीवी स्टिक में क्या रहता है कि आपको गूगल की जगह Amazon की सर्विसेज देखने को मिलती है, जैसे गूगल असिस्टेंट देखने को नहीं मिलता, वहां पे आपको Amazon की Alexa देखने को मिलती है, ये बात हो जाती है। आपको डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स के बटन और प्राइम वीडियो के बटन देखने को नहीं मिलते, लेकिन डेफिनेटली नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो का सपोर्ट देखने को मिलता है, गूगल प्ले स्टोर की जगह Amazon का एप स्टोर तक देखा जाता है। लेकिन Amazon एप स्टोर जो है ना वहां पे जो एप्स है ना वो जल्दी अपडेट होती है और उनके अंदर जो फीचर्स होते हैं ऐप के अंदर वो आते हैं। एक काफी अच्छा एग्जांपल लेता हूं, डिज्नी प्लस हॉटस्टार जब हुई थी, यानी कि हॉटस्टार से डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो ट्रांजिशन हुआ था, तो इसका जो सबसे पहले जो अपडेट है ना वो फायर टीवी स्टिक में आया था और उसके बाद आपको एंड्रॉइड टीवी में देखने को मिला था, ये बात हो जाती है। और नंबर ऑफ एप्स की बात करें तो ऑलरेडी गूगल प्ले स्टोर पे 5000 एप्स ऑलरेडी अवेलेबल जो कि एंड्रॉइड टीवी को सपोर्ट करती है, तो जो क्वांटिटी एप्स की वो गूगल के एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में थोड़ी ज्यादा हो जाती है, यार ये बात हो जाती है। लेकिन मेन डिफरेंस यहां बताता हूं, Mi TV Stick आती है ना वहां पे आपको स्टॉक एंड्रॉइड टीवी देखने को मिलता है, कोई भी जो पैचवॉल UI होता है ना जो आपको Xiaomi के Mi TV में एक ऐप देखने को मिलती है पैचवॉल, वो देखने को नहीं मिलती। लेकिन वही फायर टीवी स्टिक में क्या रहता है कि आपको जो सारा कंटेंट है ना वो सारा का सारा आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल जाती है, यानी कि लेटेस्ट चीजें चल रही तो ऊपर बैनर के रूप में आते हैं, आप इंडिविजुअल ऐप में कुछ प्ले करते हो तो ऊपर वो प्ले नेक्स्ट करके दिखाता रहता है। और जो मेन जो फोकस रहता है ना फायर टीवी स्टिक वो रहता है Amazon प्राइम वीडियो के ऊपर। अब यहां पे एक बात बता देना चाहता हूं कि जो प्राइम वीडियो के ऐप है ना वो एंड्रॉइड टीवी में इतनी अच्छी नहीं है, वो जानबूझ के इतनी बेकार बनाई है, वहां पे उसको यूजर इंटरफेस भी अच्छा नहीं है, कई बार लैग करती है और ओवरऑल एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें प्राइम वीडियो ऐप की, जो फायर टीवी स्टिक में देखने को मिलती है वो काफी ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। तो अगर आप प्राइम वीडियो से ही अगर कुछ कंटेंट को अगर आपको स्ट्रीम करना है तो डेफिनेटली हमारी चॉइस ये होगी कि आप एकदम से फायर टीवी स्टिक होता है ना उसे लेना प्रेफर कीजिए अगर आपको प्राइम वीडियो पर ज्यादा फिल्में देखनी है। अदरवाइज जो आपको Mi TV Stick देखने को मिलती है ना वो भी काफी बढ़िया है, इवन आपको Mi TV Stick के अंदर लेटेस्ट एंड्रॉइड 9.0 देखने को मिलता है। और ओवरऑल देखा जाए तो Mi TV Stick को डायरेक्टली कंपीट करने के लिए बनाया गया फायर टीवी स्टिक से, क्योंकि फायर टीवी स्टिक जनरली 3500 रुपए की मिलती है, 2800 रुपए का लॉन्च किया गया है। लेकिन कभी कभी जो फायर टीवी स्टिक है ना उसकी कीमत बिलो 2500 भी हो जाती है, तो अगर आपको फायर टीवी स्टिक बिलो 2500 में मिले तो वहां पे अगर देखा जाए तो आप फायर टीवी स्टिक लीजिए, आप Mi TV Stick मत लीजिए। लेकिन अगर नॉर्मल प्राइसिंग में अगर किसी को खरीदना है तो वहां पे Mi TV Stick एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। और मैं किसी को भी यही सजेस्ट करूंगा कि किसी के पास अगर नॉर्मल HD रेडी टीवी है और उससे अगर स्मार्ट टीवी बना
बनाना है तो ये होगा सजेशन कि आप 2800 रुपीस की जो मी टीवी स्टिक आती है ना उससे बेटर 3500 रुपए का जो मी बॉक्स होता है ना वो ले। वहां पे आपको 1GB एक्स्ट्रा रैम देखने को मिलेगी, आपको 4K HDR का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और फ्यूचर में अगर आप कभी 4K टीवी लेते तो उसके अंदर भी इसका सपोर्ट होगा। और सबसे बड़ी चीज, इसमें आपको USB देखने को मिलेगी जिसका यूज करके आपको कुछ भी अगर प्ले करना है अपने टीवी के ऊपर तो वो प्ले कर सकते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे मी बॉक्स थोड़ा सा ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। वहीं बात करें मी बॉक्स और फायर टीवी स्टिक 4K की, तो दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूँ एकदम रॉ कंपैरिजन, तो सीधी बात है फायर टीवी स्टिक 4K ज़्यादा एडवांस, उसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है। मी टीवी बॉक्स 4K है ना वो थोड़ा सा आउटडेटेड हो चुका है, उसके अंदर का जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा सा पुराना है। लेकिन बात यह है कि दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन जो वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलती है ना वो आपको मी टीवी बॉक्स में मिलती है। लेकिन अब आप ऐसा समझिए कि फायर टीवी स्टिक अगर डिस्काउंट होकर 3500 रुपये में आ जाती है तो मी टीवी बॉक्स और फायर टीवी स्टिक में से किसी को चूज़ करना है ना तो 4K वाला जो फायर टीवी स्टिक होती है ना उसे चूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पर आपको 4K HDR के साथ साथ HDR10, HDR10 प्लस HLG फॉर्मेट का जो 4K सपोर्ट होता है उसका देखने को मिलेगा। यहाँ तक कि जो Netflix के अंदर जो Dolby Vision होता है उसका सपोर्ट भी है, और Prime Video के अंदर जो Dolby Atmos होता है ना उसका सपोर्ट भी देखने को मिलता है। इसी के साथ ही जो परफॉर्मेंस रहती है ना Fire TV Stick 4K की वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन Fire TV Stick के अंदर आपको कोई भी आपको USB पोर्ट देखने को नहीं मिलता, तो डेफिनेटली Fire TV Stick का जो UI और जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा मेरे को बेटर लगा एज़ कम्पेयर टू मी बॉक्स 4K एंड मी टीवी स्टिक। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रोडक्ट अगर नॉर्मली सस्ते रेट में मिले आप उसके ऊपर जाना पसंद कीजिए। अगर आपका कंफ्यूजन है फायर टीवी स्टिक और मी टीवी स्टिक के अंदर तो दोनों में से जो चीज सस्ती आप उसे लीजिए, और अगर आपको मी बॉक्स 4K वर्सेस फायर टीवी स्टिक 4K लेनी है और दोनों में से आप चूज कर रहे हो कि आपको बेस्ट पॉसिबल डील किस में मिल रही है तो ये देखिए दोनों में से सस्ती चीज कौन है, और दोनों अगर एग्जैक्ट सेम प्राइस पे मिल रही है ना तो वहां पे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फायर टीवी स्टिक 4K को कीजिए प्रेफर, और यहां पे जो मी टीवी स्टिक होती है ना उसे भी प्रेफर किया जा सकता है। यानी कि 2800 रुपीस में काफी बढ़िया गैजेट है जहां पे आपको क्रोमकास्ट और गूगल की सर्विसेज बिल्ट इन देखने को मिल जाती है। क्रोमकास्ट जो होता है ना वो अमेज़न की फायर टीवी स्टिक में आपको देखने को नहीं मिलता। तो यार ये बात हो जाती है, तो ओवरऑल देखा जाए तो फायर टीवी स्टिक मी टीवी स्टिक बहुत ही बढ़िया गैजेट है। आप इनमें से कोई भी चूज कीजिए आप रॉन्ग नहीं होने वाले हो, और अगर आप मी टीवी स्टिक चूज करते हो तो ऑब्वियसली आप जो भी नॉर्मल एंड्रॉयड टीवी का जो एक्सपीरियंस होता है ना वो आप इंजॉय कर सकते हो, जनरली जिसके लिए आप 10-12 हज़ार रुपये खर्च करना चाहते हो। और डेफिनेटली जो मी टीवी स्टिक निकाली है ना ये उन लोगों के लिए निकाली है जिनके पास ऑलरेडी टीवी है, जिन्होंने 8-10 साल पहले एक अच्छा टीवी ले लिया था जिसमें HD या फुल HD था वो टीवी, लेकिन नॉन स्मार्ट था, लेकिन वो टीवी आज भी अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन उस टीवी को एक स्मार्ट टीवी बनाना है ना तो उसके लिए काफी बढ़िया गैजेट हो जाता है। अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो सबके जो लिंक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो वहां पे जाके आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अगर आपको पैसा लगे बात नीचे कमेंट बताना ना भूल, वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।